फाइन। लाइन पेज नंबर 74। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 करो अटेम्प्ट। क्लास, ये क्लास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये मेथड है डू स्टॉप वन एंड टू। अच्छा चलो, वेरिएबल आर्गुमेंट मैंने बताया नहीं ना आप लोगों को, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इनम छोड़ देते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, जब जब पैकेज स्टेटमेंट लिख के आएगा तब तक आपको क्या करना है, विजिबिलिटी के एंगल से आपको इस एग्जांपल को देखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप सब लोग? ठीक है, सोच समझ के बताओ कि क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है, ये क्लास है, किस फो किस पैकेज में है, पैकेज ए, पैकेज ए। और बाज किस पैकेज में है, पैकेज बी। तो अगर अलग अलग पैकेज में है दो क्लास, मतलब एक क्लास से अगर दूसरा क्लास यूज करना है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बराबर है? यस सर। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो और मुझे बताना, इस क्लास का एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक। आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा बना देगा। इसका भी एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा? पब्लिक। परफेक्ट। So can I create object of foo inside this class? Yes. Yes. Constructor sure. visible है कि नहीं है? बिल्कुल visible. Visible. Yes. Visible है. ठीक है. क्या क्या visible नहीं है? Protected. Protected. B. Granny. Int A. Int A. Line number 3. Line number 3. लाइन नंबर 3 विजिबल है? 3 नहीं है। No. इन दोनों के बीच में कोई इनहेरिटेंस है क्या? नहीं है। तो लाइन नंबर 4 भी विजिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लाइन विजिबल है? लाइन नंबर 5। ओके, स्लो एंड स्टडी है, आराम से जाना। इस लाइन का मतलब है आपको ये देखना है कि कंस्ट्रक्टर विजिबल है कि नहीं है, कि नहीं है? तो विजिबल है। तो ये लाइन कंपाइल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एफ डॉट ए तो ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, लेकिन किन दो लाइन्स की वजह से? लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 9। समझा? यस सर। सो विच टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? D and E. समझा? Yes. Yes, sir. ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसके लिए हमेशा मैं कह रहा हूं कि पेपर पेन हाथ में रखना। ठीक है, नाउ देखो, अब है ना ये इस टाइप का एग्जांपल देख के है ना कि यार इंप्लीमेंट एक्सटेंड ऐसे करके डरने का नहीं। ठीक है, स्लो एंड स्टडी जाओ, यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस एग्जांपल को कैसे अप्रोच कर रहा हूं ये देख लो पहले आप। इंटरफेस और कॉन्क्रीट क्लास के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्क्रीट क्लास कॉन्क्रीट मस्ट प्रोवाइड ऑल द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अनइंप्लीमेंटेड बराबर। इंटरफेस के बाय डिफॉल्ट सारी मेथड क्या होती है? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक इनहेरिटेंस का डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा है इसने? इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंट्स व्हाट? डिवाइसेस। मतलब ये ऐसा हुआ बराबर। यस। फोन वन एक्सटेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। फोन वन यहाँ पे हुआ बराबर। यस सर। लेकिन ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मल कॉन्क्रीट क्लास पर क्या था? कंपल्शन था बराबर। yes. और इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्लास ही है। yes. तो फिर तो अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंट डिवाइस है। डिवाइस कहाँ है देखो यहाँ पे?
डिवाइस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्या नाम है इसका? इसको डॉट देख रहे अभी जागो राजा जागो, आपके मालिक का फोन है जॉनसन सर का, जस्ट गिव मी वन मिनट। Okay, let's start again. वापस से कर देते हैं स्टार्ट। कहाँ थे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्लीमेंट्स डिवाइस, मतलब ये क्लास है और ये इंटरफेस है, बराबर। डिवाइस कहाँ पे है? नीचे यहाँ पे। इसमें अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट है, yes. है ना? क्या नाम है मेथड का? डू इट। ये डायग्राम हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास फोन वन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लास पर क्या कंपल्शन था? ये कॉन्क्रीट क्लास है ना? यस और नो? यस। तो ये कॉन्क्रीट क्लास है, तो कॉन्क्रीट क्लास पर क्या कंपल्शन था? इलेक्ट्रॉनिक क्लास मस्ट प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसने प्रोवाइड कर दिया है क्या? प्रोवाइड कर दिया ना? यस। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक क्लास हो गया अपना एंड डिवाइस भी हो गया, बराबर है? यस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। फोन वन एक्सटेंड्स इलेक्ट्रॉनिक। फोन वन कहां पे आ गए? फोन वन व्हाट
कौन सा है ये एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके एक अलग से एक मेथड है क्या नाम है मेथड का डू इट विथ इंट एक्स सो दिस इज नॉट ओवरराइडिंग दिस इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग सेम नेम बराबर फोन टू की मेथड फोन वन ये नॉर्मल ऐसा है बराबर अब ठीक है इसका काम हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास फोन टू एक्सटेंड्स इलेक्ट्रॉनिक तो ये यहाँ पे है करेक्ट यस और इसकी एक अपनी अलग से मेथड है डू इट विथ इंट आर्ग्यूमेंट So this is called, this is what? Overloading, not overriding. Right. Now, last में कौन है? Phone? Phone 3. और यही सबसे tricky question है. Tricky part यहाँ पे. Phone 3 extends what? Electronic devices. And implements devices. Phone 3. अब यहाँ पे, Phone 3 is implementing what? Device. तो ये concrete class और interface के बीच में क्या contract है? Class must provide implementation of abstract method of the interface. Yes. अब Phone 3 ने लिखा है क्या कुछ भी implementation यहाँ पे कहाँ गया Phone 3? Phone 3 ने कुछ भलता ही method लिख दिया. Do stuff. इसको किसको ओवरराइड करना था डू इट को लेकिन फोन थ्री ने ओवरराइड किया क्या नहीं किया नहीं. क्या फोन थ्री का कोई पैरेंट है क्या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो किया है ना फोन थ्री पर क्या कंपल्शन था टू इम्प्लीमेंट अनइम्प्लीमेंटेड abstract methods of the parent classes or parent interfaces. तो मैं ऐसा समझता हूँ phone 3 के पास कोई abstract method है ही नहीं implement करने के पास. What's my point? Yes, yes sir. इसने नहीं किया तो इसके parent ने किया है ना? हाँ. तो hierarchy में देखोगे तो parent ने कर दिया तो ये भी चलता है. अगर parent ने किया तो child को करना compulsory है क्या? नहीं. और यही tricky point है यहाँ का इस question का. ठीक है? तो what will be the output. ये समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. ये समझ में आया? ठीक है? What will be the compilation succeed होगा कि नहीं होगा? होगा. Yes. Compilation में कोई issue नहीं आएगा. क्यों succeed होगा? क्योंकि अगर ये point अगर आप नहीं समझे हो, phone 3 का खिलाफ. Phone 3 पर compulsion था to provide the implementation of unimplemented abstract methods of the parent interface. और मैं ऐसा समझता हूँ phone 3 के पास do it का ही लिखना जरूरी था लेकिन phone 3 के parent ने already लिख दिया है तो phone 3 के पास कोई unimplemented abstract method है ही नहीं yes or no ठीक है yes, that's sir. Why this program will compile fine समझा ठीक है तो ये बिना diagram के solve हो पाएगा क्या ये question नहीं हो पाएगा नहीं. सेवन को छोड़ तो एट में इनमरेशंस है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ जब इनम कंप्लीट होगा तब आप एक बार वापस से आना और ट्राई करना इनको क्वेश्चन नंबर 9 क्या प्रॉब्लम मेन मेथड से स्टार्ट करो क्लास हॉबिट फ्रोडो एक्सटेंड्स हॉबिट तो कौन पेरेंट हुआ हॉबिट हॉबिट और फ्रोडो क्या हुआ
चाइल्ड होगा। फ्रोडो में एक मेथड है, क्या नाम है इसका? काउंट गोल्ड। काउंट गोल्ड विद इंट एंड इंट एज आर्गुमेंट, बराबर है? यस यस ठीक है। और एक्स प्लस वाई रिटर्न। तो यहाँ पे कोई इश्यू लग रहा है आपको? नहीं ठीक है। तो हम मेन मेथड से स्टार्ट कर देते हैं। तो मेन मेथड में क्या है? शॉर्ट एस। शॉर्ट एस मतलब क्या हुआ ये? और आपने क्या असाइन कर दिया? सेवन कर दिया ठीक है। तो ये होगा कि नहीं होगा, ये चल जाएगा, इस पे कोई इशू नहीं। yes. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अब आप काउंट गोल्ड मेथड को कॉल कर रहे हो। yes. काउंट गोल्ड में कौन से आर्गुमेंट चाहिए थे? इंट इंट। और यहाँ पे आप क्या भेज रहे हो? माय गोल्ड मुझे और इंट भेज रहे हो। इंट हाँ। ये चलेगा क्या फिर? नो नहीं। ये क्या होता तो चल जाता? ये इंट शॉर्ट होता तो चल जाता, समझा? यस सर। यस सर ठीक। इसलिए क्या होगा? क्या नहीं होगा? कहाँ पे इश्यू है? लाइन नंबर सेवन, समझा? ठीक है। क्यों है गड़बड़ यहाँ पे? किस टाइप का आर्गुमेंट है? इंट का। हम क्या पास कर रहे हैं? शॉर्ट। और ठीक है, ये तो आसान था, इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं थे। चैप्टर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर टू में पेज नंबर 162। ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होना चाहिए। गिवन ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत थी क्या? इंटरफेसेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉबनिकेट पता नहीं क्या है, और इसमें ये एक मेथड है इंटरफेस की, ये मेथड मतलब ये बाय डिफॉल्ट क्या होगी? पब्लिक और पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट आया ना? यस ठीक है। विच इज अ करेक्ट क्लास? इस इंटरफेस को जो भी क्लास, किस पर कंपल्शन होगा? इंटरफेस और कॉन्क्रीट क्लास के बीच में कंपल्शन होगा, आया ना? यस। लेकिन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में कोई कंपल्शन होगा क्या? नहीं होगा ठीक है। तो मुझे बताओ कि पहली लाइन ये क्या, कॉन्क्रीट क्लास है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? Abstract class. Abstract. और इंटरफेस है तो इंप्लीमेंट से लिखना था इसे, बराबर लिखा है इसने? Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको कर दिया। ओवरराइडिंग के रूल क्या है? मेथड नेम मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, टाइप ऑफ दिस आर्गुमेंट्स मस्ट बी सेम, ये सेम ही है? Yes. हाँ या ना? और इसने भी इसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही बना दिया, तो इसमें कोई इश्यू है? नहीं, कोई इशू नहीं, ये चलता है, चलता है ठीक है। मतलब कि इसने इसको ओवरराइड किया, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइडिंग कोई आपका ठीक है। इस लाइन पे बताओ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉब इम्प्लीमेंट्स फ्रॉबनिकेट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर कोई कंपल्शन था क्या इस इंटरफेस का? ये मेथड ओवरराइड करना ही है करके? नो नहीं 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 ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ क्या है मुझे बताओ? मैं इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा है और इम्प्लीमेंट भी, इम्प्लीमेंटेशन भी, तो ये गलत है ना? यस ठीक है। इसका क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट? नो
नहीं है नहीं। तो ये एम्प्टी छोड़ सकता है ना अपना क्लास। यस ठीक है। पब्लिक क्लास फ्रॉम एक्सटेंड्स, लेकिन क्लास और इंटरफेस के बीच में क्या कीवर्ड होता है? इंप्लीमेंट। इसने क्या लिखा है? एक्सटेंड्स, इसलिए नहीं चलेगा सही में। पब्लिक क्लास फ्रॉम इंप्लीमेंट्स, हाँ इंप्लीमेंट्स लिखा तो सही है, लेकिन पब्लिक वॉइड ट्विटर, अब कॉन्क्रीट क्लास और इंटरफेस के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट था? Must provide implement. मतलब इसको ओवरराइड करना पड़ेगा ना इसे? Yes. इसने ओवरराइड किया क्या? नहीं। मेथड नेम सेम है लेकिन आर्गुमेंट का टाइप तो अलग है ना, या ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। बराबर। ई, पब्लिक क्लास फ्रॉम, मतलब कॉन्क्रीट क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास और इसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है? Must provide implementation of the abstract method. तो ट्विडल लिखा है, string भी लिखा है ना? Yes. Return type भी same है, access modifier must be same or less restrict. तो इसने override कर दिया? Yes sir. यहाँ पे। और ये इसके अपनी खुद की method है। Yes. ठीक है। So कौन से दो option सही है? B and E. समझा? Yes. ट्राई। पहले एक्सटेंड्स लिखा है तो पहले आप क्या बनाओ? हायरार्की बना दो, टॉप और बॉटम टू। बराबर है? Yes. सबसे पहले क्लास टॉप को देखो और पहले चेक करो कि सब कुछ सही है कि नहीं। इसमें मेथड लिखी है, ये मेथड है कि क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है विद one argument. One argument. मतलब कि Java is not going to provide what? Constructor. Zero argument वाला नहीं देगा। मतलब आपको अभी inheritance आया constructor with one argument, तो constructor chaining के point of view से भी देखना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. ठीक है। इस लाइन में कोई इश्यू है क्या? ये वाली लाइन बॉटम टू एक्सटेंड स्टॉप, मतलब कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे होगी? इसके थ्रू और यहां से ऑब्जेक्ट क्लास है। बराबर है? पब्लिक बॉटम टू, यहाँ पे पैकेज लिखा ही नहीं था तो पब्लिक लिखने का कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ इस कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे पहली लाइन, यहाँ पे सिस्टम है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी पहली लाइन क्या होगी? सुपर क्लास कौन है? टॉप। इस क्लास में कोई सुपर विद जीरो आर्गुमेंट है क्या? नहीं। आपको सबसे पहले किसके थ्रू जैसे सोचना है? कंपाइलर की तरह सोचना। हर एक ऑब्जेक्ट क्लास तक पहुंचने का रास्ता मिलना चाहिए। तो क्या इसको बॉटम टू से टॉप से क्या इसको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है? टॉप से ऑब्जेक्ट, सोच समझ के बताओ। टॉप से ऑब्जेक्ट इसकी पहली लाइन क्या होगी? सुपर विद टॉप का सुपर कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो टॉप क्लास में कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं तो सही है। इशू कहाँ है? इशू यहाँ पे है, इस कंस्ट्रक्टर में। यस और नो? यस सर। क्या नहीं होगा? इसकी पहली लाइन क्या होगी? सुपर विद जीरो आर्गुमेंट। बराबर है? जो कि नहीं है, टॉप क्लास में जीरो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। तो क्या है, प्रोग्राम कंपाइल होगा क्या? नो नहीं। तो क्या ऑप्शन सही है? समझा? यस सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करने वाला। सबसे पहले क्या बनाओ? क्लाइडर और क्लिडलेट यही है। और इसका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
मैं देख के ही बता रहा हूँ आप. प्राइवेट मेथड है, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. प्राइवेट मेथड कहाँ नहीं दिखेगी? तो ये ओवरराइडिंग नहीं हुए. ओवरराइडिंग कब होगी? जब दिखेगा तब ओवरराइडिंग होगी ना. यस सर. जब दिखेगा ही नहीं तो क्या की ओवरराइडिंग? बराबर है. यस सर. ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेंट क्लास की मेथड दिख ही नहीं रही है ना. yes. बराबर है कि नहीं? ठीक है, अगर yes. दिखती तो ओवरराइडिंग होते, नहीं दिख रही है तो काय की ओवरराइडिंग? ये ओवरराइडिंग नहीं है. ठीक है, तो समझना आपको यही था कि ये ओवरराइडिंग है कि नहीं है. अगर आप इसका आंसर बता पाए तो बाकी आप लोगों को पता है. तो क्या ये ओवरराइडिंग है? नहीं है. क्योंकि विजिबल नहीं है. विजिबल ही नहीं है. विजिबल होता तो ओवरराइडिंग के रूल अप्लाई होते हैं उस पर. यहाँ पर आगे बढ़ा. यस सर. तो ये भी मेथड ठीक है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विद स्ट्रिंग अरे एज एन आर्गुमेंट. ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड क्लास का बनाया है. और आपने कौन से मेथड इन्वोक किया? Flipper. अगर आपने रेफरेंस बनाया होता तो ये करते. तो अब कंपाइलर क्या है, क्लिडलेट में ही फ्लिपर को ढूंढेगा. क्या क्लिडलेट में फ्लिपर नाम की कोई मेथड है? yes. Yes. क्योंकि विजिबल भी है. बराबर है. कंपाइलर को इश्यू देगा? नहीं देगा. रन टाइम पे ये मेथड किसके थ्रू इन्वोक होगी? ऑब्जेक्ट के थ्रू. ऑब्जेक्ट भी किसका है? क्लिडलेट का. तो क्या कॉल होगा, क्या आउटपुट आएगा? इस क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट क्या था? ओवरराइडिंग है कि नहीं है, ये आपको समझना था. ठीक है. इसको छोड़ दो, ये फालतू क्वेश्चन है. इसको भी छोड़ दो. परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. पहले आप डायग्राम बना लो. क्या लिखो? एक्स वाई. ठीक है, एक्स में कौन सी मेथड है? डू वन. वाई में कौन सी है? डू टू. कोई प्रॉब्लम है इन दो लाइंस में? नहीं. सब कुछ सही है? पक्का? यस यस. कोई पैकेज भी नहीं लिखा, सब कुछ सही है. नाउ वी विल स्टार्ट विद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. क्रोम क्लास का इन दोनों से कोई लेना देना? नहीं. लाइन नंबर 6, x x1 इज इक्वल टू न्यू x. वैलिड स्टेटमेंट है? वैलिड. यस सर. पूछा है कि इंसर्ट कोड हियर पूछा है. अच्छा, x x2 इज इक्वल टू न्यू y. कोई स्टेट ये भी सही है. y y1 इज इक्वल टू न्यू y. अब ये लाइन नंबर 7 को हम लोग क्या कहते हैं? इंसर्ट कोड हियर. अगर x2.d2 अगर यहाँ पे लिखता, x2 किस टाइप का है? कंपाइलर क्या चेक करेगा? उसमें d2 मेथड है. x में d2 है क्या? नहीं है. क्या ऑप्शन है? सही ऑप्शन है? नहीं है. कमिंग टू सेकेंड थिंग, एक्स और वाई इनहेरिटेंस में है ना. यस. तो डाउन कास्टिंग कर सकते हैं, और कुछ भी गलत हुआ तो जेवीएम रन टाइम पे क्या बोलेगा? एरर. क्लास कास्ट एक्सेप्शन. बराबर है. क्लास कास्ट एक्सेप्शन. ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि
जब आप x2 डॉट do2 लिखते हो ना, ठीक है, तो डॉट को हमेशा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है. क्या होती है? अगर मतलब कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा देन ये करने की कोशिश करेगा ये. ओके, ठीक है. तो अगर आपको डाउन कास्टिंग करनी है तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा आपको, क्या एक ब्रैकेट यहां पे लगाना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्या किसको हाईएस्ट प्रेसिडेंस है यहाँ पे? डॉट 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 को. समझ में आ रहा है? इसलिए ये गलत है. अगर डाउनकास्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. बराबर है? आप मुझे बताओ एक्स टू का टाइप क्या है? एक्स. इसमें ऑब्जेक्ट किसका है? वाई का. वाई का. अब मैं पूछ रहा हूँ वाई का ऑब्जेक्ट है तो रेफरेंस किसका हो सकता है? वाई का हो सकता है. वाई का हो सकता है. तो लाइन नंबर ये ऑप्शन सी में आप यही तो कर रहे हो ना? यस सर. एक्स टू का टाइप आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? वाई में. वाई में. और ये किसको पॉइंट कर रहा है? वाई के ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जब डू टू कॉल होगा तो कंपाइलर कहाँ ढूंढेगा डू टू को? वाई में. क्या वाई में डू टू है? यस सर. तो ये लाइन कंपाइल होगी कि नहीं होगी? होगी. और रन भी हो जाएगा. And none of the above statements will compile. तो इसमें से कौन से दो सही, कौन सा statement सही है? Option number six का है C. बराबर. समझा नहीं है? Yes sir. ठीक है. आपको सिर्फ इसमें tricky point क्या था? Option number B और C में से सही कौन है? Precedence. ठीक है. ये क्यों गलत है? वापस से बताना. क्योंकि डॉट को हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, इसलिए अगर आपको डाउन कास्टिंग करनी है तो पहले एक्स्ट्रा ब्रैकेट देके पहले डाउन कास्टिंग करो, देन फिर ब्रैकेट्स को हाईएस्ट प्रेसिडेंस मिल जाएगा, देन डॉट को. ठीक है, तो समझना आपको ये था कि बी सही है कि सी सही है, लेकिन सी सही है. समझ में आया? यस सर. इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे चीजें जो है हम लोग थ्योरी सेशन में भी नहीं कवर कर पाते. को छोड़ दो. ट्राई दिस वन. बराबर. क्लास डॉग. यस. क्लास हाउंड एक्सटेंड्स डॉग. इसका मतलब यह है ना? ठीक है. डॉग में कौन से मेथड है? बार्क. हाउंड में कौन से मेथड है? बार्क भी है. तो बार्क है तो पहले आप चेक करो कि ओवर राइडिंग के सारे रूल फॉलो किए कि नहीं किया. मेथड नेम सेम, रिटर्न टाइप सेम, एक्सेस मॉडिफायर सेम, सब कुछ सही है. यस सर. ठीक है, तो इसमें बार्क भी एक मेथड है और एक स्निफ है, इसके अलग मेथड है. बराबर है? कोई डाउट, कोई इश्यू है इसमें? दोनों सही है. नाउ स्टार्ट विद डॉग शो. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विद स्ट्रिंग एरेज एंड आर्गुमेंट. इसका क्या मतलब है? कंपाइलर क्या कॉल करेगा? ये मेन मेथड यहीं पे खत्म हो गई, ध्यान दे रहे हो ना? यस यस सर. ठीक, ये क्या कर रहा है? अपने ही क्लास का इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू डॉग शो डॉट गो. बराबर है? यहाँ पे तो कौन से मेथड कॉल हुई? गो इंस्टेंस मेथड थे कि स्टैटिक मेथड थे? इंस्टेंस मेथड. तो डॉग शो को ऑब्जेक्ट बना के इसने गो मेथड को कॉल किया. सही है? कोई डाउट है? लाइन नंबर 13 पे आओ और मुझे पहले बताओ कंपाइलर क्या करेगा. न्यू हाउंड डॉट बार्क. तो बार्क मेथड को कहाँ ढूंढेगा? हाउंड में. हाउंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. अभी रेफरेंस नहीं बनाया तो हाउंड क्लास में ही ढूंढेगा और हाउंड क्लास के ही इनवोक करेगा. ठीक है, क्या हाउंड क्लास में कोई बार्क नाम के मेथड है? कंपाइलर कहा कि कंपाइलर को कोई इश्यू है इस लाइन से? नहीं. और रन टाइम पे ये इनवोक भी हो जाएगा. तो लाइन नंबर 13 को पास कर दे हम लोग. ठीक है, अब मुझे पहले चेक करके बताओ इसने डाउन कास्टिंग सही तो की है नहीं? पहले
न्यू हाउंड मतलब किसका ऑब्जेक्ट बनाया? हाउंड हाउंड का, हाउंड का ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर है। इसका ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हुआ? हाउंड का। और इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है? डॉग में। मतलब अगर मैं कोई डॉग का एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता तो क्या वो हाउंड को पॉइंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या ये सही चीज है कि गलत किया है इसने? कर पाएगा। वो कस्टिंग हुआ ना, इसका रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट आएगा डॉग, है ना, बराबर है। क्योंकि टाइपकास्ट भी तो किया है ना आपने, ठीक है। तो बार्क मेथड को किस में ढूंढेगा? डॉग में। क्या डॉग में क्लास में कोई बार्क नाम की मेथड है? यस सर। ठीक है, वापस से आता हूं मैं इस लाइन पर। इस लाइन लाइन नंबर 14 का क्या मतलब है? लाइन नंबर 14 का मतलब है आप किसी ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डॉग में। पहले चेक करो कि यह दोनों इनहेरिटेंस में है क्या? है। Yes. अगर कुछ भी गलत हुआ तो JVM will give you class cast exception, बराबर है? ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? हाउंड। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और आप इसको फोर्सफुली किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डॉग। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का जो ब्रैकेट्स लिखा है ना, इस ब्रैकेट का आउटपुट आएगा डॉग। डॉग, बराबर है। अभी भी इस ऑब्जेक्ट को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डॉग में। इस एक्सप्रेशन का भी आउटपुट क्या आएगा? डॉग। टाइप क्या आएगा? डॉग आएगा, ठीक है। डॉग क्लास में इसने किस मेथड को ढूंढा? बार्क मेथड। क्या डार्क डॉग क्लास में कोई बार्क नाम की मेथड है? लेकिन रन टाइम पे ये किसकी कॉल करेगा? हाउंड के थ्रू बार्क की कॉल करेगा। तो लाइन नंबर 14 पे कोई इशू नहीं। लाइन नंबर 15 अब सोच समझ के बताओ, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्यों डॉग है? क्योंकि हमने टाइप फोर्सफुल किया ना यहाँ पे, इसलिए इस ब्रैकेट का आउटपुट आएगा डॉग। टाइप आएगा डॉग, बराबर है। इस ब्रैकेट का टाइप आएगा डॉग। अब ये स्निफ मेथड को कहाँ ढूंढेगा? डॉग में। डॉग में ढूंढेगा। क्या डॉग क्लास में कोई स्निफ नाम की मेथड है? नहीं है। तो क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? नहीं। तो यू विल गेट एरर एट लाइन नंबर 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एफ। ठीक है, वापस से बताओ, लाइन नंबर 14 का मतलब है ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का टाइप क्या है? डॉग। डॉग, क्योंकि आपने यहाँ पे किया है ना टाइप का फोर्सफुल। ये जो ब्रैकेट है ओपन और क्लोज किया है ना आपने, इस ब्रैकेट का टाइप क्या है? डॉग। ठीक है, तो कंपाइलर बार्क मेथड को कहां ढूंढेगा? डॉग में। कंपाइलर स्निफ मेथड को कहां ढूंढेगा? डॉग। समझा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, अगर जो भी लिखना है तो ये आपको वापस से मिल जाएगा अपने इसमें, तो आप लिखना हो तो लिख सकते हो यहाँ पर, इसलिए कंपाइलेशन एरर आएगा। बहुत बढ़िया। देखो पहली बात तो डरना नहीं है, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलो। पहले अगर कोई इनहेरिटेंस में हो तो पहले इनहेरिटेंस ट्री डायग्राम कर लो। कौन क्या क्या ड्रॉ करो आप मुझे फटाफट बता दो, एग्जांपल देख के। क्लास पेरेंट ट्री आएगा सबसे। ट्री एरो रेड है, रेडवुड। रेडवुड कोई इशू यहां तक? नहीं नहीं। ठीक है, क्लास ट्री में कुछ आपने लिखा है, किसी कुछ लिखा है क्या इसमें? नहीं, नहीं, नहीं। तो सीधा रेडवुड पे जंप करते हैं। हाँ। मेन मेथड को ढूंढो और मेन मेथड से स्टार्ट करो। स्टार्ट। चलेगा? यस। किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? रेडवुड। रेडवुड का गो मेथड। क्या रेडवुड क्लास में गो नाम की मेथड है विद जीरो आर्गुमेंट? यस। तो ये कॉल कर देगा, है या ना? यस सर। आगे बढ़ो, ये मेथड अभी कॉल हो गए। पहले मेन मेथड कॉल होगी, फिर इसने किस मेथड को कॉल किया? गो मेथड को कॉल किया। फिर लाइन नंबर
8 पे क्या होगा, या आप किस मेथड को कॉल कर रहे हैं? गो टू इंस्टेंस इंस्टेंस भाई भाई है या ना? यस तो एक इंस्टेंस मेथड से दूसरे इंस्टेंस मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. यहाँ पे कोई इश्यू है क्या? नहीं है. गो टू के कितने आर्ग्यूमेंट है? दो आर्ग्यूमेंट. एक का टाइप क्या है? ट्री. दूसरे का टाइप क्या है? रेडवुड. अभी भी मैं बोल रहा हूँ डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं. लाइन नंबर 8 पे जाओ. आपने क्या बनाया अभी? न्यू ट्री. किसका ऑब्जेक्ट बनाया? ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया. और अब ये ट्री का ऑब्जेक्ट जाके किस में असाइन हो जाएगा? T1 का टाइप क्या है? ट्री. तो ट्री का ही रेफरेंस ट्री का ऑब्जेक्ट चलता है? चलता है. समझ रहे हो ना? डरना है क्या? बिल्कुल भी नहीं. सब लाइन बाय लाइन चलो. क्या यही इसी सेशन के लिए आज हम लोग रुके हैं कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को. ठीक है. अब आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? रेडवुड का. कौन से मेथड कॉल कर रहे हो? गो टू. ठीक है. रेडवुड का ऑब्जेक्ट जाके किस में कॉपी हो जाएगा? R1 में. किसका रेफरेंस? रेडवुड का रेफरेंस रेडवुड का ऑब्जेक्ट चलता है? यस चलता है. कोई इशू यहाँ पे? नहीं. ठीक है. अगर ये लाइन नंबर अगर 8 चल गई है तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या किया आपने? रेडवुड R2 डाउनकास्टिंग किया दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया. स्टेप बाय स्टेप चलो. अभी हमने इस मेथड को कॉल किया है. T1 में ये कंटेंट है, R1 में ये कंटेंट है. बराबर है? बराबर है. इस लाइन का क्या मतलब है? रेडवुड R2 इज इक्वल टू फोर्सफुली कन्वर्ट T1 टू रेडवुड. लेकिन आपने T1 को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की? Redwood. A1 में ऑब्जेक्ट किसका है? ट्री का. आया ना? इसका क्या मतलब है? चाइल्ड में पेरेंट का ऑब्जेक्ट. ये इसका मतलब होगा ना? ये असाइनमेंट तब पॉसिबल है. ये दोनों इनहेरिटेंस में है क्या? यस. तो ये कंपाइलर के पकड़ के बाहर का है. हाँ. बराबर. लेकिन जब JVM रन करेगा तब क्या देगा? T2 का टाइप क्या है? R1 में कंटेंट किसका है? रेडवुड. R1 मतलब T2 is equal to R1 मतलब पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड को ऑब्जेक्ट. चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. इस लाइन पे कोई इशू नहीं आएगा. यहाँ तक समझ में आया? यस यस. ठीक है. ये भी बता दो फटाफट. ऑब्जेक्ट किसका असाइन कर रहे हो? ट्री का ऑब्जेक्ट. ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? ट्री का ऑब्जेक्ट और रेफरेंस किसका? रेडवुड का. चलता है क्या ये? नहीं चलेगा. नहीं चलता. ट्री का रेफरेंस और रेडवुड का ऑब्जेक्ट चलेगा. रेडवुड का रेफरेंस और ट्री का ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा. लेकिन ये कंपाइलर के पकड़ के बाहर का. पकड़ के बाहर का है. ठीक है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है फिर? An exception is thrown at runtime. True. बाहर या ना? एक्सेप्शन आएगा रन टाइम? आएगा. कौन सा एक्सेप्शन आएगा? क्लास कास्ट. द कोड कंपाइल्स एंड रन्स विथ नो आउटपुट. कोड कंपाइल तो हो जाएगा. कंपाइल होगा कि नहीं होगा? होगा. लेकिन रन हो पाएगा कि ये? नहीं होगा. नहीं होगा. एक्सेप्शन आएगा ना. कंपाइलेशन फेल गलत है क्योंकि कंपाइल तो हो रहा है.
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा सही है सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, इसमें ट्रिकी पॉइंट ये था, क्या ये कंपाइलर पकड़ पाएगा क्या? अगर इनहेरिटेंस में है तो आप किसी का भी टाइप किसी में भी कन्वर्ट कर लो, सब ठीक है, लेकिन रन टाइम पे ये ट्रू होना चाहिए। लाइन नंबर 9 का क्या मतलब है मुझे बताओ, 9 पे आपने क्या करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड का, पेरेंट का है, पेरेंट का है। और आपने टाइपकास्ट किसमें किया है? चाइल्ड में किया। मतलब इसका मतलब ये हुआ, रेडवुड आर इज इक्वल टू न्यू ट्री, चाइल्ड में पेरेंट का ऑब्जेक्ट। चलता है कैसे? नहीं चलता। समझा? आपको आंसर पता है लेकिन सोच समझ के बताएं। कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है? सिंगल पेरेंट, पेरेंट है, टेनर चाइल्ड। सिंगल पेरेंट है और टेनर चाइल्ड, बराबर। सिंगल पेरेंट है तो सिंगल ने एक कौन से मेथड डिक्लेयर किया? स्टैटिक। मतलब ये किस, ये क्लास का पार्ट हुआ, बराबर। yes. और ये इसने रिटर्न ला किया है, स्ट्रिंग है ना रिटर्न टाइप, तो इसने ला किया। कुछ इश्यू इसमें? नहीं नहीं। यहाँ पे क्लास टेनर एक्सटेंड्स सिंगर, और इसने भी क्या डिक्लेयर किया है? स्टैटिक। मतलब ये स्टैटिक किस मेथड का पार्ट हुआ, किस क्लास का पार्ट हुआ? टेनर का, टेनर का। तो ये ओवरराइडिंग है क्या? क्या स्टैटिक ओवरराइड होता है क्या? स्टैटिक नो, नहीं होता है। ठीक है, इसमें समझना यही है कि स्टैटिक ओवरराइड होते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, नहीं होते तो कोई इशू है क्या? लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। इस लाइन पे बताओ क्या किया? टी टेनर का ही रेफरेंस, टेनर का ऑब्जेक्ट, कोई इशू नहीं। टेनर का ही रेफरेंस, टेनर का ही ऑब्जेक्ट, कोई इशू कोई नहीं, नहीं। सिंगर का रेफरेंस एंड टेनर का ऑब्जेक्ट, असाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास टू द रेफरेंस ऑफ द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड अ अपकास्टिंग। ये दोनों लाइन सही है? सही है। यस सर। बस सोच समझ के बताना कि इस लाइन को JVM कैसे ट्रीट करेगा। सिंग क्या है, स्टैटिक मेथड है कि इंस्टेंस मेथड है? स्टैटिक मेथड है। तो पेरेंट क्लास के नाम से, तो टी डॉट सिंग का क्या मतलब है? ये ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा है। लेकिन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं क्या? क्लास, क्लास से होता है, क्लास से होता है। तो टी किस, मैंने एक चीज बताई थी स्टैटिक के लिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल करने की कोशिश की तो भी बैकग्राउंड में क्लास से ही कॉल। हां, बैकग्राउंड में क्या होता है? टी किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्लास से होगा, मतलब टेनर से होगा। टेनर डॉट सिंग से कॉल होगा, हाँ या ना? यस। टेनर का सिंग मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा? फा। बराबर है? फिर आपने कंकैटिनेट किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एस, एस में किसका ऑब्जेक्ट है? टेनर का। लेकिन एस स्टैटिक मेथड है, बराबर है? स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होती है क्या? नहीं, क्लास नहीं। तो JVM कैसे ट्रीट करेगा इस लाइन को? बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से कॉल करेगा, क्या करेगा यहाँ? क्लास से कॉल करेगा। एस का टाइप क्या है? एस का टाइप क्या है? इसका टाइप है सिंगर, तो सिंगर इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? सिंगर डॉट सिंग डॉट सिंग, बराबर। सिंगर क्लास की सिंग में, तो सिंगर क्लास की सिंग मेथड, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ला। आउटपुट क्या आएगा? स्पेस ला। अगर ये स्टैटिक नहीं होती तो?
ये स्टैटिक नहीं होती तो आउटपुट होता तीर का ऑब्जेक्ट फा 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 आया ना हाँ यस सर नो आप इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या था इस क्वेश्चन में चैलेंज ये था कि स्टैटिक ओवरराइड नहीं होता और ये टी डॉट सिंक किससे कन्वर्ट हो जाएगा टी का टाइप क्या है टी का टाइप टेनर तो ये कैसे कन्वर्ट होगा बैकग्राउंड में टेनर डॉट सिंक और ये एस डॉट सिंक ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है कि नहीं क्यों नहीं हो रहा क्योंकि सिंक क्या है स्टैटिक मेथड है तो एस किससे कन्वर्ट हो जाएगा एस का टाइप क्या है सिंगर बैकग्राउंड में कैसे होगा ये सिंगर डॉट सिंक ये मैंने बताया था ना रे आपको बताया था यस सर बताया था ठीक है समझना ये था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल हो रहे ये क्लास के नाम से रिप्लेस हो जाएंगे अगर जिसको ये याद रहा ये वो आंसर कर देगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा फा एंड ला ठीक है सर वो स्टैटिक नहीं रहती तो फाफा क्यों आता तुम्हें बताओ ओवर राइडिंग हुई है ना सिंग सिंग यस सर हां ओके ओके यस सर सेम जिसने पूछा वही बता के समझा कि नहीं समझा यस सर ओवर राइडिंग हुई है ना ये स्टैटिक ओवर राइड होती है कि नहीं होती है ये स्टैटिक सर ओवर राइड हो जाएगा बराबर है Yes, sir. Saying string return type zero argument तो overriding हुआ ना अगर static नहीं होता तो बराबर ना yes sir तुमने ही पूछा ना yes sir डरना बिल्कुल भी नहीं है पहले hierarchy बना लो चलो कोई भी एक जन मैं चाहता हूँ कि साहिल try करे इसको साहिल चौहान yes हायरार्की बता दो अल्फा सब नहीं सॉरी कहाँ है सब सब हायरार्कीकल मल्टीपल अल्फा एंड सब सब अल्फा जो है देखो इसने सिर्फ नाम में घुमा दिया है आपको लेकिन एक्सटेंड ही अल्फा को ही कर रहा है yes. ठीक है सोच समझ का पहले आप चेक कर लो कि कंस्ट्रक्टर चैनिंग तो सही है मतलब हर एक क्लास से ऑब्जेक्ट क्लास तक पहुंचने का रास्ता तो है अल्फा से ऑब्जेक्ट तक yes. कहां गया चाहो साहिल yes, sir. ये क्लास में सब कुछ ठीक है यस यस क्यों ठीक है क्योंकि इसकी पहली लाइन क्या होगी सुपर जीरो तो सब अल्फा में सुपर भी जीरो है ना यस यस ठीक है सिमिलरली सब सब अल्फा की पहली लाइन क्या होगी सुपर विद सुपर जीरो तो कोई इशू आएगा नहीं आएगा तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे बराबर है यस ठीक है मेन मेथड कहाँ है वहां से स्टार्ट करते हैं साहिल गो अहेड सब सब न्यू ऑब्जेक्ट बनाया सब सब इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे होगी पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसका कि इसका सब सब कंस्ट्रक्टर चेनिंग पहली लाइन सुपर होगी तो ए का कॉल होगा फिर पहले किसका कॉल हो पहले एक ऑब्जेक्ट का खत्म हो गया बराबर है खत्म होने के बाद किसको इंस्टेंशिएट करेगा एक को इंस्टेंशिएट करेगा तो एक का इनिट ब्लॉक एंड एक का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ना बराबर है तो इसमें पहली लाइन क्या लिखी है अल्फा अल्फा आप लिख लो पहले एक जगह पे अल्फा लिख दिया Yes. के बाद में किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सब सब
एस प्लस इक्वल टू मतलब एस इज इक्वल टू एस प्लस, एस में क्या है अल्फा, अल्फा के बाद में क्या क्या आ जाएगा, सब 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 बराबर है, यस यही है ना, यस और कोई है और कुछ, और फिर आपने क्या प्रिंट कर दिया, यस को प्रिंट दे, तो क्या आउटपुट आया, अल्फा सब सब बराबर है, यस नंबर 11 कसम परफेक्ट समझा, सिर्फ ये इसने नाम घुमा दिया है लेकिन एक्सटेंड इसने अल्फा को ही किया, सब सब अल्फा से हम लोग ऐसा समझ लेंगे कि यार सब सब अल्फा बोले तो ये सब अल्फा को एक्सटेंड ना कर दिया हो यहाँ पे, इसलिए आंखें दिमाग दोनों खुले रखो और इसको सही से आंसर करना, समझा नहीं है, कंस्ट्रक्ट ये कंस्ट्रक्टर चैनिंग का एग्जाम्पल था, हाँ या ना, yes. तो पहले कंस्ट्रक्टर चैनिंग होगी मतलब कि ये यहाँ से सुपर इसको कॉल करेगा, यहाँ से सुपर ये इसको कॉल करेगा, एक बार ऑब्जेक्ट का हो गया तो सबसे पहले इंस्टेंशिएट कौन होगा, ए, ए इंस्टेंशिएट होगा मतलब ए का इनिट ब्लॉक एंड ए का कंस्ट्रक्टर, तो ए में इनिट है नहीं तो कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर लेता, बराबर है, फिर बाद में किसका इनिट और किसका कंस्ट्रक्टर, सब 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 का अल्फा का, ठीक है, सिंपल था ये, चलो कौन ट्राई करेगा, या तो आप खुद से आ जाओ, ट्विंकल ट्राई कर लो, ट्राई करते पहले क्वेश्चन देख लेते पूरा, पीछे कुछ कोड नहीं है, व्हाट इज द रिजल्ट करके पूछा है, और अगर कंपाइलेशन फेल अगर ये आउट अगर कहीं पे भी दिखा ना आपको इस टाइप का तो ध्यान से पहले कोड को देखो आप, ठीक है, अगर कंपाइलेशन फेल कहीं पे भी नहीं है तो सीधा बेटर है कि आप सॉल्व ही करना स्टार्ट करो ना यहाँ पर, है ना, अगर कंपाइलेशन फेल दिखता है अगर ऑप्शंस में तो पहले एज अ कंपाइलर की तरह कंपाइल करो यहाँ पर, कंपाइलेशन फेल ऑप्शन है कि नहीं है इसमें, है तो पहले आपको कंपाइलर की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है गो अहेड, पहले क्या करें, पहले बिल्डिंग का मतलब वो पेरेंट बिल्डिंग, हाँ पेरेंट क्लास बिल्डिंग है और उसका हाउस चाइल्ड क्लास है, परफेक्ट, हाँ अब कंस्ट्रक्टर्स लिखे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करोगे, चेक कर लो कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग है, हाँ पहले बिल्डिंग क्लास को चेक कर लो, जीरो से ऑब्जेक्ट क्लास तक पहुंच पा रहे हो, बराबर, इसके पहले लाइन क्या है, This मतलब इस, अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहाँ से ये कॉल होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, बराबर, तो बिल्डिंग क्लास इज ओके, आया ना, सिमिलरली चेक फॉर द हाउस क्लास, इसका कंस्ट्रक्टर भी है, ये भी चेक, इसके पहली लाइन सुपर डॉट जीरो आर्गुमेंट है ना, तो अगर ये पास हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर भी पास हो जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सही है, कोई इशू है इसमें, नहीं, नहीं, तो हम लोग कंपाइलेशन एरर वाला ऑप्शन रूल आउट कर देता, बराबर है, यस, नाउ गो अहेड एंड फाइंड आउट द आउटपुट, मेन क्लास में न्यू हाउस, एक्स हाउस का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स आर्गुमेंट मतलब एक आर्गुमेंट पास किया, कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे होगी मुझे बताओ, सबसे पहले कौन इंस्टेंशिएट होगा, चलो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहले गो ट्विंकल को जैसे आपको जाना है, सर न्यू हाउस का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसमें विद एक आर्गुमेंट पास किया तो ये हाउस पे जाएगा, फिर हाउस से बिल्डिंग पे जाएगा, वो एक्सटेंड है इसलिए, तो मैं लिखता हूँ हाउ एच वन, बराबर है, हाँ एच वन से कहाँ जाएगा, एच वन से ये ऊपर बिल्डिंग में जाएगा, इसमें मतलब चलो और एक बार हाउस स्ट्रिंग नेम, हाउस स्ट्रिंग नेम, हाँ एक बार और ट्राई करो, कहाँ से स्टार्ट करें, न्यू हाउस विद स्ट्रिंग आर्गुमेंट, हाँ ठीक है, एक्स जाके किस में कॉपी हो जाएगा, नेम में, नेम में, हाँ मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, हाँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप क्या कर रहे हो, This है ना, छोड़ दिया क्या, दिस को, हाँ दिस है,
मतलब कि h with zero argument. Zero. Yes. इसके तो पहले लाइन क्या है? Super. Without argument. Super. अगर init block होगा तो मैं इसके लिए h init लिख देता हूँ पहले. बराबर. फिर यहाँ से super में चले जाओ. Super with how many argument? Zero argument. यहाँ गया. ठीक है. फिर यहाँ से क्या है? यहाँ पे कुछ होगा क्या? Object. यहाँ से यहाँ पे भी मतलब कि है तो ऊपर जाएगा बी जीरो होगा ना. हाँ बी जीरो से आपने सीधा ये ऊपर ही गया बराबर. हाँ इसमें आया क्या? नहीं आया. नहीं आएगा. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्लास का काम खत्म हो गया. तो सबसे पहले कौन इंस्टेंशिएट होगा? बिल्डिंग इसका ऑब्जेक्ट पे जाने से पहले बी यूनिट भी लिख देते हम लोग. ठीक है. आएगा तो सबसे पहले बी यूनिट कॉल करेगा. हाँ क्या है इनिट नहीं है क्या? नहीं है तो क्या कॉल करेगा? बी का कंसेप्टर जीरो आर्गुमेंट वाला मतलब बी आउटपुट आएगा. आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? बी 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 ना. हाँ फिर यहाँ से एच का इनिट है क्या? एच का इनिट नहीं है. देन एच का जीरो आर्गुमेंट एच आएगा. एच बी के बाद क्या प्रिंट करेगा? ये एच प्रिंट करेगा. H1 में क्या प्रिंट करेगा? HN B H H N X X and X B H H N N X. समझा कैसे अप्रोच करना है? Yes sir. Yes sir. ठीक है. B H H N N X मतलब ऑप्शन नंबर C B H H N N X सी ना. सी क्या नंबर था इसका? क्वेश्चन नंबर क्या था? 12 बराबर सी इसका करेक्ट. समझा? चलो यस सर. कोई वॉलंटियर है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? कौन करेगा? एनीवन. गलत हुआ तो हुआ, डरना क्या है इसमें. पहले तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन देख के आप डरो नहीं. सीधा इतना बड़ा बड़ा देख दिया एक्सटर्नल वेक्शन तो डरना नहीं है. कौन ट्राई करेगा? एनी वॉलंटियर? चलो सर्वेश राउत तुम्हारा कैमरा ऑन है इसलिए तुम्हें पूछ ले. ट्राई. क्या बनाओ? मैमल और उसके नीचे जेब्रा. और जू कीपर का कोई लेना देना नहीं? नहीं. ठीक है. अगर इनहेरिटेंस है तो पहले क्या चेक करोगे? कंस्ट्रक्टर लिखे है क्या? कुछ भी कंस्ट्रक्टर लिखे क्या इसमें? इसमें लिखे क्या? नहीं लिखे. तो चेनिंग क्यू फिकर में चेक करना. ठीक है. नहीं. सबसे पहले आप चेक करो आउटपुट में कंपाइलेशन है क्या. है. तो आपको कंपाइलर की नजर से देखना पड़ेगा पहले. बराबर. ठीक है. Yes. तो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कोई इश्यू नहीं है. बराबर. यस yes, sir. चलो आगे बढ़ो. फिर क्या चेक करोगे? ओवरराइडिंग. सही ओवरराइडिंग है ये? यस यस यस. चलो सर्वेश को बोलने दो. मेथड नेम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है. कोई इश्यू लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या है रे? इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम है. इसका मतलब आपको क्या समझना है? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर रिजॉल्वड ऑन रेफरेंस वेरिएबल एंड मेथड्स आर रिजॉल्वड ऑन ऑब्जेक्ट. बराबर. अगर ये रूल पता है तो नाउ गो अहेड एंड स्टार्ट विद ज़ूकीपर. ज़ूकीपर का ऑब्जेक्ट बनेगा. मेन मेथड गए आप लोग? गए ना. जू कीपर को ऑब्जेक्ट बनाया. जू कीपर के थ्रू किसको कॉल किया? गो को. गो इंस्टेंस मेथड है. यस. तो गो मेथड इन्वोक हो गई. गो अहेड. लाइन नंबर 14. अब कास्टिंग हो गया. सही है ये लाइन? लाइन पे कोई इशू नहीं? नहीं. अब इसका आंसर सोच समझ के बताना. Instance variables are resolved on
reference and instance for methods are resolved on object. So m dot name query output kya likhega query and m dot make a noise लेकिन ऑब्जेक्ट मेथड्स को किसके थ्रू कॉल करता है ऑब्जेक्ट के थ्रू तो ज़ेब्रा के थ्रू मेक अ नॉइज़ को कॉल करेगा क्या ज़ेब्रा में मेक अ नॉइज़ नाम की मेथड है यस क्या प्रिंट करेगा ब्रेक समझा यस ठीक है तो कंपाइलेशन का भी रूल आउट कर देते रन टाइम का भी रूल आउट कर देते क्योंकि सब कुछ सही लग रहा है यहाँ पर ठीक है तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए चेक परफेक्ट चलो सागर का वीडियो ऑन है सागर जय सागर सॉरी एक मिनट हाँ लेट मी थ्री लेट मी सी शिफ्टर कहाँ है भैया अच्छा ठीक है जितना हो सके उतना बता देना कोई इशू नहीं है इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते कि क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अच्छा शिफ्टर ये भी तो है व्हाट इज द रिजल्ट करके पूछा ठीक और कंपाइलेशन फेल्स ऑप्शन भी है इसको एक थोड़ा छोड़ दिख रहा है ना इस क्वेश्चन को छोड़ देते क्योंकि ये जो चीज है कलेक्शन पे मैं आपको बताने ही वाला हूं एरेज का असाइनमेंट वाला तो अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ ठीक है जब कलेक्शन खत्म होगा तब हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं अभी के लिए इसे पढ़ दो एंड चैप्टर नंबर टू खत्म हो गया दो चैप्टर और है चैप्टर नंबर थ्री क्वेश्चन कम है लेकिन ट्राई करते हैं इसको यहाँ पर इसको अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं मेरे एंगल से बताता हूँ कि मैं कैसे करूँगा छोड़ दो कौन पेरेंट है ए पेरेंट है बराबर है और बी दिख रहा है नहीं आपको बी चाइल्ड यहाँ पे हमने किसका एरे बनाया ए का एरे बनाया हाँ या ना लाइन नंबर एट पे लाइन नंबर नाइन में मैंने किसका एरे बनाया बी का और दोनों की साइज कितनी है दो मतलब फिर मैं ये पूछ रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होगा बेसिकली शिफ्टर ए ए को अगर मैं पास करूंगा मतलब मैं बेसिकली क्या पास कर रहा हूँ ए का एरे पास कर रहा हूँ यस और नो यस तो कोई आर्गुमेंट है क्या विथ ए का एरे यहाँ पे कितनी मेथड है चार मेथड है शिफ्टर नाम के बराबर है शिफ्टर नाम के चार में ओवरलोडिंग है ये ठीक है अगर एक एरे पास किया तो कोई ऐसे मेथड है क्या जिसका जिसमें एक एरे है ये एक एरे है लेकिन ये वेरिएबल आर्गुमेंट है ठीक है हर एक ऑब्जेक्ट का पेरेंट कौन होता है ये क्या है एक का एरे है बराबर है इसको कौन रिफर कर रहा है ठीक है सारे ऑब्जेक्ट्स का पेरेंट कौन होता है ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होता है ना हाँ या ना मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना ये सिर्फ एक एरे है ये एरेज आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा तो क्या मैं ऑब्जेक्ट ओ इज इक्वल टू एरे असाइन कर सकता हूँ कि नहीं बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि वो भी तो ऑब्जेक्ट ही है भले एरे हुआ तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट ही है ना वो भी यहाँ पर ठीक अगर इतना पता है तो वाइडनिंग और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में क्या चूज किया जाता है widening और variable argument में क्या अगर ये method call हुई तो ये array का object parent में assign हुआ ना तो ये widening हुई yes
ठीक है, और ये वेरिएबल आर्गुमेंट है, ये वाइडनिंग है, और ये पहला वाला शिफ्टर जो है वो वेरिएबल आर्गुमेंट है. सो वाइडनिंग और वेरिएबल आर्गुमेंट में क्या चूज किया जाएगा हमेशा? वाइडनिंग. वाइडनिंग चूज किया जाएगा. हम पास क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एस की वैल्यू क्या है, एस क्या है, एस स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग. हाँ, हाइफन पहले लिखा हुआ है इसमें, तो ये हाइफन प्रिंट कर देगा पहले 4. ठीक है, नेक्स्ट लाइन किसका एरे भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो शिफ्टर में? बी है, बी का एरे, बी का, बी, बी का एरे भेज रहे. क्या कोई मेथड है जो बी का एरे एक्सेप्ट कर रहा है? तो कौन है, लाइन नंबर 17 जो है वो बी का एरे एक्सेप्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो डायरेक्टली अगर मिल रहा है तो डायरेक्टली वही कॉल कर देगा, वाइडनिंग क्यों करेगा फर्जी में यहाँ पे. इसलिए फिर आउटपुट क्या आएगा, 4-4 एंड देन 3. लास्ट लाइन आपने क्या पास किया है? इंट. हाँ, इंट पास किया है. कोई मेथड है क्या जो इंट एक्सेप्ट करता है? कोई शिफ्टर मेथड है जो इंट एक्सेप्ट करता है? यस और नो? ये ए का एरे एक्सेप्ट करता है, ये ए का एरे विद वेरिएबल आर्गुमेंट, ये बी का एरे विद वेरिएबल आर्गुमेंट, ये बी का एरे एंड ये ऑब्जेक्ट हो, कोई इंट आर्गुमेंट वाला कोई मेथड है? नहीं नहीं. ठीक है, तो इंट का पहले इंटीजर होगा. इंट नहीं होगा तो लॉन्ग वाला कोई है क्या? नहीं है. तो वो इंट और लॉन्ग रूल आउट कर देते, इंट का इंटीजर होगा. इंटीजर वाला कोई मेथड है क्या? नहीं है. नहीं. इंटीजर का पेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये -4, 3, 4 ये कॉल करेगा. ये हम लोग बाद में भी किया तो भी चलेगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो. ठीक है, ये थोड़ा टफ है, आई नो, सॉरी. ये भी खत्म हो गया. लेना है कि खत्म करना है? कंटिन्यू करें, जिसको जाना है वो जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है तो आगे कंटिन्यू करता. बोलो सर, कल कितने बजे लेक्चर? 8:15. आप सो जाओ. सही में, अरे कंपलसरी नहीं है ये, सिर्फ क्या है वो पास होना है तो रुकना है ना, वही तो कंडीशन है. मुझे कोई मतलब, मैं अगर चाहूं तो इसको छोड़ सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन ट्रस्ट मी आप नहीं, ये नहीं लूंगा मैं तो आप कभी सॉल्व ही नहीं करोगे. अभी अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सिर्फ सुन के छोड़ दो, कोई इशू नहीं है. वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो ना तुम लोग, बाद में देख लेना कभी, चेक ही करना है तो. 264. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन? अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ये ट्राई करते हैं. चलो राहुल, गो अहेड. क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लो. When do stuff is reached, how many objects are eligible for garbage collection? मतलब unreachable object हम इसे चेक करें. एक बार मुझे सोच समझ के बताना कि इसका क्या मतलब है. डायरेक्टली आपने लिटरल असाइन कर दिया, तो ये पुल वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है क्या? ये किसको रेफर करेगा? पूल में कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है? -128 तो ये ऑब्जेक्ट पूल का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? ये हिप में बनेगा. हिप पे बनेगा. बराबर है? यस सर. ठीक है, नाउ आई वांट यू टू गो अहेड. चल ये भी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है. स्टार्ट विद मेन मेथड. कैसे बनाओ स्टैक डायग्राम, हीट डायग्राम? C1 C1
is pointing to cardboard an object. बराबर है, यही है ना इसका मतलब? Yes, cardboard. तो टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तब किसको मेमोरी मिलेगी? रेफरेंस वेरिएबल. कौन है रेफरेंस वेरिएबल? कार्डबोर्ड. C1. स्टोरी. ये तो स्टैक में हुआ रे, स्टैक है ना? हाँ. स्टैक में C1 बना. जब भी ऑब्जेक्ट बनता है किसको मेमोरी मिलती है? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल. वेरिएबल हो ना तुम जगह पे. यस सर. यस सर. तुम सिर्फ वीडियो में सिंसियर दिखते हो, पता है? ध्यान नहीं है तुम्हारा. जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है किसको मेमोरी दो? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल का स्टोरी बना दो. इक्वल टू 200. लेकिन ये स्टोरी प्रिमिटिव है कि रेफरेंस है? प्रिमिटिव टाइप है. लात मारूंगा पकड़ेगा. प्रिमिटिव है ये. रेफरेंस है ना ये? रेफरेंस. रैपर क्लास है ना ये? रैपर क्लास है. यस कैपिटल. यस कैपिटल है. कैपिटल है ना? यस सर. तो 200 ये पुल वाला ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं. तो स्टोरी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 200. इसका मतलब ये है. हाँ या ना? यस सर. ठीक है, अब C2 का फटाफट बता. C2 is pointing to one object. Object. जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तब क्या बनता है? Instance. Variable बनता है. बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. ये primitive है कि wrapper class है? Wrapper class. लेकिन ये 200 क्या pull वाला object है कि hip वाला object है? Hip वाला object. क्यों hip वाला है? Range के बाहर है. Range के बाहर है तो ये हीप में बना दो. सो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है अभी हीप में? 1, 2, 3 और 4. ठीक है, दोनों लाइन हो गए. डरना बिल्कुल भी नहीं है. कार्डबोर्ड C3 रेफरेंस बनाया कि नहीं बनाया? यस. और राइट साइड में आपने कुछ तो लिखा है. अब उसको क्या लिखा है इसको डिबग करो. किस मेथड को कॉल किया है? गो. किसके थ्रू? C1. और क्या पास किया है? C2. गो मेथड के पास जाओ पहले, बहुत तेज. तो गो मेथड को मैं स्टैक में लाओ. किसको पास किया है? C2. मतलब CB में क्या जाएगा? C2. CB किसको पॉइंट करेगा अभी? C3. ऐसे ही है ना यहाँ? यस सर. अभी हम लोग गो मेथड के अंदर में ध्यान दे रहे हो ना आप लोग. गो मेथड में आपने क्या पास किया? C2 का कंटेंट. C2 का कंटेंट क्या है? हाउ टू रीच दिस ऑब्जेक्ट. ये C2 का कंटेंट जाके किस में कॉपी होगा? CB में कॉपी हो गया. यस सर. यस. ठीक है, फिर बाद में क्या किया आपने? CB को नल कर दिया. मतलब किस लिंक को हटाऊं मैं? ये CB2 ऑब्जेक्ट जा रही है. CB की ही लिंक हटानी पड़ेगी. यस आया ना? यस सर. फिर आपने क्या रिटर्न किया? रिटर्न CB में अब क्या है? CB में नल. नल आके मतलब इस मेथड का आउटपुट क्या आएगा? नल आएगा. और ये किस में असाइन हो जाएगा? C3 में. तो C3 में क्या आ गया? नल वैल्यू. मतलब किसी को पॉइंट करेगा क्या? नहीं करेगा. फिर आपने क्या लिखा? C1 is equal to null. मतलब क्या हटाऊ मैं यहाँ से? ये लिंक की लिंक हटेगी. बराबर है? यस. ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं. यस सर. बिना डायग्राम के सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ये, ट्रस्ट में. सो व्हेन दिस लाइन इज रीच्ड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन? दो ऑब्जेक्ट. C1 और C3. कौन से दो ऑब्जेक्ट? कौन कौन से? एक ये और वो 200 वाला. इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या था? ट्रिकी पॉइंट ये था. आया ना?
ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है और ये 200 वैल्यू है, मतलब ये पूल वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हिप वाला ऑब्जेक्ट है, बराबर है? तो आउटपुट क्या है इसका? सी, समझा? यस सर, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि कौन ट्राई करेगा, डिफेंड न्यू एलियन, कंपाइलेशन फेल, पहले मैं चाहता हूं कि आप वो वाला सॉल्व करो, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड, टाइम लगेगा। नहीं, काम और गया एग्जाम्पल, हाँ ये वाला, पहले तो डरो नहीं, स्टार्ट स्लोली एंड स्टडीली। क्या बनाया है? एक क्लास डजन्स बनाया है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ या ना? Yes. Array, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एरे इन सेम लाइन, ठीक है, तो इस एरे की साइज कितनी है, 12, yeah. बराबर है, हाँ या ना? Yes. ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिलती है, जैसे ऑब्जेक्ट बने, जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तब, बराबर है? Yes. मेन मेथड से स्टार्ट करो, क्या बोला है कि व्हेन लाइन 14 इज रीच्ड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, एक एक करके स्टार्ट करो, मैं अप्रोच करूं इस एग्जांपल को, आप देखोगे? यस सर। पहले मुझे बता, अरेज आर व्हाट इन जावा, ऑब्जेक्ट्स इन जावा, ठीक है, जब मेन मेथड में स्टार्ट करूंगा, ये मैं क्या बना रहा हूँ, डजन का एरे बना रहा हूँ, बराबर है? तो ये एक स्टैक है कि नहीं, स्टैक में कौन आया, डी ए, एक रेफरेंस वेरिएबल आया जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बराबर, विच इटसेल्फ इज एन एरे ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, थ्री, जीरो, वन एंड टू, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डी ए ऑफ जीरो, मतलब किसका रे, डी ए ऑफ जीरो, यहां पे ना, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, न्यू डजन, न्यू डजन जैसे ही करोगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, yes. एक डजन का ऑब्जेक्ट बना दो, किसका है ये ऑब्जेक्ट, डजन का, जैसे डजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, डजन क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी, डजन क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल कौन है, डी जेड, व्हिच इटसेल्फ इज एन एरे, यस और नो, एंड एरेज आर व्हाट इन जावा, ऑब्जेक्ट्स इन जावा, मतलब कि डी जेड एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इंट एरे का ऑब्जेक्ट है, ये इसका मतलब हुआ, समझा? ये चीज कहां पे, डी ए ऑफ जीरो पे है। लाइन नंबर 10 पे क्या लिखा है, चलो वापस से इस लाइन का मतलब समझा, डजन्स डी इज इक्वल टू न्यू डजन्स, डजन्स डी, डी कहां बनेगा, स्टैक में, स्टैक पे, न्यू डजन्स मतलब किसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, डजन्स का, हिप में, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा किसको मेमोरी मिलेगी, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल कौन है, डी जेड, बराबर है, एंड विच इटसेल्फ इज एन एरे, एंड एरेज आर व्हाट, ऑब्जेक्ट्स इन जावा, ये किस टाइप का एरे है, इंट, लाइन नंबर 10 का काम खत्म हुआ, बराबर है, यस सर। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ लाइन नंबर 11 में, डी ए ऑफ 1 मतलब कौन रे, डी ए का
वन जो अभी नल है इसमें हम कौन किसका कंटेंट कॉपी कर रहे हैं डी का कंटेंट क्या हाउ टू रीच द ऑब्जेक्ट डी तो डी ए वन किसे पॉइंट करेगा आया ना यस फिर मैंने क्या लिखा लाइन नंबर 12 पे क्या लिखा इन्होंने डी इज इक्वल टू नल मतलब किसके लिंक हटा दो डी के लिंक डी से डी ये लिंक हट गई आया ना फिर मैंने क्या लिखा डी ए ऑफ वन इज इक्वल टू नल डी ए ऑफ वन कौन है डी ए ऑफ वन मतलब किसके लिंक हटाओ ये बीच में तो हटा देता और डी ए ऑफ वन के लिंक मैंने हटा दिया अब ठीक है यस सर व्हेन लाइन नंबर 14 इज रीच्ड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पहले हम समझे तो कि मैंने सही किया कि नहीं परफेक्ट कितने हाँ इन्होंने ये पूछा है दो ऑब्जेक्ट एलिजिबल है लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बने थे टोटल एक दो तीन चार और पांच फाइव ऑब्जेक्ट्स वेर क्रिएटेड यस एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन टू ऑब्जेक्ट्स समझा यस मस्त था इंटरेस्टिंग था ये ठीक है इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है फंडे अपने क्लियर रखो ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी फिर इंस्टेंस वेरिएबल को देख लो एक बार में और फिर उस तरीके से हिप डायग्राम और स्टैक डायग्राम बना लेगा एक बार रिवाइज कर लो आप कभी भी जब मन करेगा तब यहाँ पे और प्लीज ट्राई क्लियर और एक क्वेश्चन है ट्राई करोगे इसका हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन का और ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है मुझे ये एग्जांपल बहुत पसंद आता है कौन ट्राई करेगा वरुण चित्र ध्यान से देना सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है स्टैटिक वेरिएबल्स को नहीं मिलती जब ऑब्जेक्ट बनता है स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है पहले मैं चाहता हूँ पहले क्लास बीटा को देख लो देख लिया yes, कुछ है बीटा के अंदर नहीं मैं चाहता हूँ क्लास अल्फा को देख लो एक बार कौन क्या है अल्फा के अंदर स्टैटिक वेरिएबल है और एक इंस्टेंस वेरिएबल बराबर नो स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड चित्र साहब करता है ना एक स्टैक बना लेता है चलेगा यहाँ से पी वन इज इक्वल टू बीटा का ऑब्जेक्ट जैसे बीटा का ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या होगा इंस्टेंस वेरिएबल चलेगा लेकिन इसके कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं परफेक्ट कितना सिंपल था ये गो अहेड और एक ऑब्जेक्ट बना सर बेटा का सेम इसमें भी कुछ है इसमें भी कुछ नहीं आएगा परफेक्ट अल्फा का एक रेफरेंस वेरिएबल अल्फा का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर इसमें से जैसे ही अल्फा का ऑब्जेक्ट बना तो पहले अल्फा क्लास लोड होगा बराबर है यस क्लास लोड होगा तो हमें क्या ड्रॉ करना है स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक बॉक्स में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ठीक है ए वन को ऑब्जेक्ट बना तो ए वन के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिली बराबर है कौन है इंस्टेंस वेरिएबल बी टू को हमने कोई वैल्यू नहीं दी है बी टू रेफरेंस है ना तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस वेरिएबल्स की वैल्यू होती है नल बी वन की भी वैल्यू क्या होगी यहाँ तक मैं हेल्प करूंगा अब यहाँ से ए टू का बताओ एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ बना लो जैसे ही अल्फा का ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसको मेमोरी मिलेगी सॉरी बी टू
और बेटे की वैल्यू क्या होगी? नन सिंपल था यहाँ तक, ठीक है, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सोच समझ कर आराम से जाना, लाइन नंबर 12। ए वन का बी वन, ए वन जिसको रेफर कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट का स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन ए वन बी वन क्या है, स्टैटिक है ना? Yes. तो जेवीएम कैसे ट्रीट करेगा ए वन का बी वन को? कंसीडर करेगा। ए वन का टाइप क्या है? ए वन का टाइप अल्फा है। तो इसको कैसे ट्रीट करेगा ये अल्फा डॉट डॉट बी वन इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा का बी वन इज इक्वल टू बी वन, मतलब अल्फा का बी वन मतलब ये ना रे? यस यस सर, ये किसको पॉइंट करेगा अभी? B1 को जो स्टैटिक स्टैक में यहाँ पे कर देता है, समझा? यस, ये लाइन हो गई। नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 13। ए वन का बी टू, मैं आप किसका कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ? बी वन का तो ये भी उसे ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर, बराबर है? यस सर, यस सर। लाइन नंबर 14। ए टू का बी टू, जिसकी वैल्यू नल है उसमें आप क्या कर रहे हो? बी टू कौन है? बी टू किसको पॉइंट कर रहा है? इसको ना, बी है ना, बी टू डायरेक्ट बोले तो ये ना यहाँ पे। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अब, ठीक है? यस सर। फिर क्या लिखा है? ए वन इज इक्वल टू नल, इसके लिंक हटा दो, ए वाले बराबर। देन बी वन किस मतलब ये ना? यस। एंड देन बी टू इज इक्वल टू नल मतलब के ये बराबर है? यस। A2 ऐसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है? When line 16 is reached, how many objects are eligible for garbage collection? Zero. Start with this. ये ऑब्जेक्ट इलिजिबल है क्या गार्बेज कलेक्शन के लिए? नहीं है। No, sir. किसके थ्रू पहुंचा जा सकता है? A2 के थ्रू, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। A2 के B2 के थ्ू जा सकते हैं, बराबर, ठीक है? Now coming back to ये वाला ऑब्जेक्ट, इस तक कैसे पहुंचेंगे? अनरीचेबल इसको कोई पॉइंट नहीं, इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है ना, आया ना? यस। तो एक हुआ अब तक, ठीक है? इस तक कैसे पहुंचा जा? बी वन के थ्रू, स्टैटिक बी वन, ए डॉट बी वन, अल्फा के बी वन के थ्रू पहुंचा जा सकता है। Yes. Yes, ठीक है, तो ये अनरीचेबल हुआ क्या? नहीं। तो कितने ऑब्जेक्ट अनरीचेबल है अभी? एक ही है, एक का बी टू। तो कौन है, आंसर क्या है इसका? बी ए, समझा? यस सर, यस सर। तो ये ड्रॉ करो, लेकिन एरो के साथ ड्रॉ करना प्लीज। ये क्यों अनरीचेबल है? इसका बी टू पहुंच सकता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट तक ही पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? कह रहा हूँ सर, कह जो कला मोबाइल पर। ये तीन एग्जांपल थे, क्लासिक एग्जांपल है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स है। अगर इन तीनों का आप आंसर कर पा रहे हो तो जावा में कोई भी क्वेश्चन आया आप सबका आंसर कर पाओगे, ठीक है? और मेरे घर वाले भी चिल्ला रहे हैं क्या फालतू गुरी लगा के बैठा कब से। तो हम लोग भी थोड़ा खत्म करते हैं फटाफट। इजी वाले से चलो, ये वाला ले लो नवनाथ, ट्राई कर लो।
No, not. No, not. No, not. No, not so good. चलो मैं ट्रैक करता हूँ. मिक्सर कितने कंस्ट्रक्टर है? एक जीरो आर्गुमेंट वाला है, एक वन आर्गुमेंट वाला है, ठीक है. और एक रेफरेंस वेरिएबल है m1. m1 इज इक्वल टू m लिख रहा है इसमें, ठीक है. मेन मेथड से मैं स्टार्ट करता हूँ. मिक्सर m2 इज इक्वल टू न्यू मिक्सर, ठीक है. जैसे ही मिक्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसको मेमोरी मिलेगी? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल कौन है? इंस्टेंस वेरिएबल m1. m1 की वैल्यू क्या होगी? नल होगी. अनाबित नल. बराबर है? यस सर. मिक्सर m3 इज इक्वल टू न्यू मिक्सर, और कंस्ट्रक्टर में आपने क्या पास किया है? m2 को पास. पहले m3 एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और आपने क्या पास किया? m2, m2 को पास. m2 जाके किस में कॉपी हो जाएगा? m में. और ये आप क्या कर रहे हो? m1 is equal to m, मतलब इसका जो m1 है ये किसे पॉइंट करेगा? m2 को. बराबर है? यस सर. यस. m3 dot go किसके थ्रू आपने go को कॉल किया? m3 के थ्रू आपने go मेथड को कॉल किया. कहाँ है go? तो क्या प्रिंट करेगा? हाय. खत्म हो गया ये काम इसका? यस सर. मिक्सर m4 रेफरेंस वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू m3 का m1. m3 का m1 किसे पॉइंट कर रहा? m1. m3 का m1 m2 के m4 किसे पॉइंट करेगा फिर? m2 के m1 को नहीं, m3 का m1 m2 को पॉइंट कर रहा है ना? Yes, object को. M2 जिस object को refer कर रहा है उसी को. M4 is equal to M3. M4 dot go मतलब किसके through go call किया? Object के through call किया है. तो क्या print करेगा? Hi. ठीक है. M5 is equal to M2 का M1. M2 का M1 क्या है रे content इसका? Null. Null. तो M5 में क्या आ जाएगा? Null. नल डॉट गो. नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये क्या है? चेक्ड है कि अनचेक्ड है? अनचेक्ड है. कब आएगा? रन टाइम पे आएगा. बराबर है? यस सर. तो यहाँ पे हाई हाई प्रिंट करके क्या आउटपुट आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन. समझा? यस सर. High, high followed by an exception. Yep. दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं. मैं अपने चॉइस के सिलेक्ट कर लेता हूँ. ये वाला मैं ट्राई करना हूँ तो कैसे ट्राई करूंगा? X ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फाइनल रेफरेंस वेरिएबल का क्या मतलब है? एफ वन का कंटेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है. एफ वन क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. बराबर है? यस. जैसे ही फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाओ तब किसको मेमोरी मिलेगी? इंस्टेंस वेरिएबल. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइव हो जाएगी. और ये फाइनल है, मतलब कि F1 हमेशा इसे ही पॉइंट करता रहेगा. बराबर है? यस सर. फिज F2 इज इक्वल टू न्यू फिज. अब क्या करो? और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके x की वैल्यू होगी 5. फिज F3 बिल्कुल डरना नहीं है. ये क्या कर रहे हो आप? एक स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो. डायरेक्टली कॉल कर रहे हो ना यहाँ पर? यस. क्या पास कर रहे हो? F1 एंड F2. F1 जाके किस में कॉपी होगा? X में. ठीक है. तो X X किसे पॉइंट करेगा? F1. F2 का कंटेंट जाके किस में कॉपी होगा? Y. Y में. तो Y किसे पॉइंट करेगा? F2. बराबर है? यस.
फिर इस मेथड में थे ना अब यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे क्या किया आपने, z इज इक्वल टू x किया, z इज इक्वल टू x का क्या मतलब है, x z भी आप उसे ऑब्जेक्ट को x को पॉइंट करेगा, x किसे पॉइंट करे उसे को पॉइंट करेगा, बराबर है yes. लेकिन ये फाइनल है, फाइनल है मतलब क्या नहीं चेंज हो सकता, ये अगर ए ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो ये इसी को रेफर करेगा, पाथ ये कभी चेंज नहीं होने वाला, यस और नो, सिर्फ पाथ नहीं चेंज होगा, लेकिन ये इसके थ्रू के ये एक्स की वैल्यू चेंज कर सकता है, कर सकता है सर, यस और नो, क्योंकि वो ये फाइनल है क्या, नहीं है ना, जेड डॉट एक्स इज इक्वल टू सिक्स मतलब किसका रहे, जेड का एक्स ये फाइव था, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया अभी, सिक्स कर दी, मतलब ये सब में चेंज हो गया ना, F1 में चेंज हो गया ये भी, यस ठीक है, रिटर्न Z, Z रिटर्न हुआ तो ये किस में कॉपी हो जाएगा, F3 में, Z किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, रिटर्न Z कर रहे हो मतलब Z का कंटेंट आप रिटर्न कर रहे हो, Z का कंटेंट क्या है, हाउ टू रीच दिस ऑब्जेक्ट, ये जाके अब ये मेथड खत्म हो गई ना यहाँ पे, यस ये रिटर्न होगा तो किस में कॉपी आ जाएगा, ये कंटेंट F3 में आएगा, F3 में, F3 भी किसे पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट, रिटर्न जेड किया था ना, जेड का कंटेंट रिटर्न किया था आपने, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, क्या F1 और F3 क्या एक ही चीज को पॉइंट कर रहा है, यस यस सर, तो इक्वल टू क्या देगा, ट्रू देगा, ट्रू देगा, आया ना, यस सर, प्लस स्पेस दे दिया, F1 dot x is equal to F3 dot x. True है. क्या F1 का x और F3 का x same ही है क्या, अलग अलग है? Same ही है. तो क्या return करेगा? True and true, true and true. A आएगा. समझा? Yes sir. Question number 5 में perfect. True and true. समझा ये? Yes sir. ठीक. तो मेरे तरफ से मैं इतना ही प्रयास करूंगा आपको समझाने का, आप सॉल्व कर, अप्रोच समझ में आया, मुझे सिर्फ अप्रोच बताना था आपको, कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रोसीड करना है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है, इनको सीन में कैसे लाना है, ये बेसिकली आपको बताने का, चलो दो मिनट है, दो मिनट में एक और एग्जाम्पल ले लेता फटाफट, मैं मान ही नहीं रहा आज, हाँ क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट में कंपाइलेशन फेल है, फटाफट कोई हेल्प करेगा मेरी, क्या हायरार्की है, बर्ड मल्टीलेवल रैप्टर है, मल्टीलेवल एंड हॉक एक्सटेंड्स रैप्टर यहाँ पे, ऐसा है, यस सर, तो कंस्ट्रक्टर चेंज, पहले जब क्लासेस लोड होंगे तो सारे स्टैटिक ब्लॉक एक ही साथ कॉल होंगे ना, यस हाँ या ना, यस देन बाद में बी का कंस्ट्रक्टर देन एच, आर का यूनिट आर का कंस्ट्रक्टर देन एच का यूनिट देन एच का, ये आंसर पता है तो ही आंसर इसका दो पाओगे, पहले चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कई कंस्ट्रक्टर चेनिंग में इश्यू ना हो जाए, बर्ड के कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट तक का रास्ता साफ है कि नहीं, यस सर, चेक करते हैं रैप्टर के कंस्ट्रक्टर से, रैप्टर के कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन में जीरो जीरो है तो मेरे ख्याल से रास्ता साफ है, ठीक है, एच में कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो डिफॉल्ट होगा जो कि रैप्टर का जीरो आर्गुमेंट वाला कॉल करेगा और बाकी सब ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लन प्री, तो पहले क्या प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, अब ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने, हॉक का, ना ना पहले प्रिंट प्री नहीं होगा, पहले ये क्लास भी तो लोड होगा ना, यस तो हॉक को लोड करेगा कि डिपेंडेंसी को लोड करेगा, रैप्टर पहले रैप्टर को लोड करने जाएगा, रैप्टर के पास पहुंचेगा तो रैप्टर भी दूसरा क्लास को इनहेरिट, पहले किसे इनहेरिट करेगा, तो स्टैटिक ब्लॉक पहले किसका, स्टैटिक ब्लॉक है किसे, बर्ड, या बर्ड में कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, रैप्टर में कोई स्टैटिक ब्लॉक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, आर वन,
और कोई स्टैटिक ब्लॉक है, एक और एक स्टैटिक ब्लॉक है ना, R4 फिर हॉक का स्टैटिक ब्लॉक, हॉक में कोई स्टैटिक ब्लॉक है नहीं, बराबर है ना, पहले R1 और R4 प्रिंट होंगे, देन मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, क्लियर है? पहले लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, R1 R4 के बाद प्री, फिर आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, हॉक का, पहले कंस्ट्रक्टर चेनिंग होगी ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास का होने के बाद किसको इंस्टेंशिएट करेगा, बी का इनिट, बी का कंस्ट्रक्टर, बी का इनिट ब्लॉक है क्या, क्या प्रिंट करेगा, बी का कंस्ट्रक्टर बी टू बराबर है, देन आर का इनिट, आर का कंस्ट्रक्टर, आर का इनिट है क्या R3 R2 का कंस्ट्रक्टर R4 देन H का इनिट एंड H का कंस्ट्रक्टर, H का इनिट है क्या, अच्छा सॉरी हाँ बराबर लिखा R3 एंड R2 देन H का इनिट एंड H का कंस्ट्रक्टर, H का नहीं इनिट है ना H का कंस्ट्रक्टर, सिर्फ ये हुआ इतने लाइन पे न्यू हॉक पे, बराबर, इसके बाद में आपने क्या प्रिंट किया है, क्लियर है, ठीक है, तो आउटपुट आना चाहिए R1 R4 प्री B1 B2 R3 R2 एंड ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे, तो यहाँ पे चैलेंजिंग क्या था, चैलेंज क्या समझना था, यहाँ पे चैलेंज ये समझना था कि पहले बर्ड लोड होगा, क्लास का लोड, पहले क्लास लोडिंग समझना ही ट्रिकी था इस एग्जांपल में, कर लोगे, ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से अटेम्प्ट था, ये अटेम्प्ट आपको कंफ्यूज करने का बिल्कुल भी नहीं था, ट्रस्ट में ये अटेम्प्ट था कि आपको एक रास्ता दिखाना कि मैं होता तो ऐसे अटेम्प्ट करता यहाँ पे, तो शायद अगर आप लोगों को अगर 10% भी आज का समझ में आया है तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, कोशिश करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है, लाइन बाय लाइन जाओ, सारी चीजें करो, सब सही होगा, सब कंपाइल होगा, ठीक है, आप अपने तरीके से ट्राई करो, हर एक सेशन के बाद में आपको अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लग रही है देन वी कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, कर लोगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 किया है, चैप्टर नंबर 4 में भी आप एक बार ट्राई कर लेना अपने हिसाब से, कर लोगे, यस सर, ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडे सेशन, जो बताना था, आई होप कि ये हो गया है, 12:30 हो गया है, अभी अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप लोग अपने आप में ग्रुप डिस्कशन कर लो, चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं चला जा, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, चलो, thank you all, thank you very much, thank you so much, thank you sir, thank you sir, thank you sir, thank you sir, good night, good night sir, good night sir, good night sir, good night. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो चलो हम एक बेटर महेश, चलो चालू कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, एमसी को चालू कर, रिकॉर्डिंग बंद करा दी.